अब थोड़ा कॉस किचन टुडे आई मेड पापड़ी चना चाट। तो उसके ऐड इंग्रेडिएंट्स ये 1 कप चिक पीस हैं, 1 कप चिक पीस छोले, और इस समय ये बूंदी है, बूंदी तो मैंने बना ली थी, इसको गर्म पानी में डाल के रखे। और ये पापड़ी है जो इसकी मेन इंग्रेडिएंट है, पापड़ी है। और ये एक आलू है, 1 पोटैटो, पापड़ी एंड बूंदी एंड, और ये 1 चॉप ऑनियन है, और 3 to 5 5 to 8 ग्रीन चिलीज हैं, और 1 to 2 ये टमाटोज हैं। तो ये, और मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन द बाउल एंड सर्व विद अफ्तारी। और ये चिक पीस मैंने आपको दिखाए थे छोले, ये इस तरह ये बॉयल कर लिए थे मैंने और फ्रीज किए हुए थे, ये देखें सही हो गए। बाउल लिया है, बाउल में अब ये सबसे पहले मैं चिक पीस डाल रही हूँ, ये 1 कप के करीब है चिक पीस लिए हैं। उसके बाद फिर मैं ये बॉयल्ड कर लिए थे आलू डाले हैं, उसके बाद बूंदी, बूंदी है वो 1 कप है, बूंदी 3 टेबल स्पून है बूंदी, ये बूंदी, ये मैं बूंदी डाल रही हूँ इसमें। सारी चीज़ें इसमें बाउल में मिक्स करके और सर्व करनी है। और इसके बाद दही भी है, वो 4 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट है, वो भी डालनी है इसमें, और इमली सॉस भी डालनी है। ये देखिए मैंने बूंदी भी डाल दी है। इसके बाद है मैं चाट मसाला और इमली सॉस, इमली जिंजर सॉस शंग्रीला की, वो मैं इसमें ऐड करूँगी, और ग्रीन चिलीज़ भी डालूँगी, और अनियन और टमाटोज 1 or 2 टमाटोज, ऑनियन 1 चॉप एंड ग्रीन चिलीज़ 5 to 8 ग्रीन चिलीज़ हैं। तो ये मैंने ऐड कर लिए हैं, बूंदी ऐड कर लिए, चने ऐड कर लिए, ये देखें अनियन और ये टमाटोज ऐड कर लिए। अब इसमें मैं चाट मसाला 2 to 3 टेबल स्पून तक चाट मसाला, और इमली जिंजर सॉस जो है वो भी 3 to 4 टेबल स्पून तक डालूंगी, और इसमें योगर्ट जो है 3 टेबल स्पून तक मैं इसमें ऐड करूंगी, और सारी चीज़ें ऐड करके, और फिर इसको ये देखें चाट मसाला और इमली जिंजर सॉस, ये है इमली जिंजर सॉस शंग्रीला की, शंग्रीला की इमली जिंजर सॉस, चाट मसाला, और ये देखें बाउल में मैंने टमाटो अनियन और ग्रीन चिली शामिल कर लिए हैं, और चिक पीस और आलू। इसको सर्व करें, अफ्तारी में सर्व करें। एड इन दी बाउल बूंदी एंड योगर्ट, चाट मसाला एंड 1 ऑनियन, 3 5 to 8 ग्रीन चिलीज एंड 1 to 2 टमाटो चॉप, ऐड इन दी बाउल एंड सर्व विद अफ्तारी दी पापड़ी चाट। ऐड पापड़ी, दिस इज दी पापड़ी चाट। I've been starting.